अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन किराम, आज आपको मैं गांव के कुछ नज़ारे दिखाऊंगा कि गांव में किस तरीके से फसलें उगती हैं और क्या क्या उगती हैं। मैं थोड़ा इधर घूमने के लिए आया था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को रूबरू कराया जाए कुछ गांव के फसलों से और गांव के थोड़े भाव भाव को दिखाया जाए। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा इधर दिखाइए, थोड़ा घुमाइए उधर। देख लीजिए, आप लोग देख रहे होंगे, ये है कुछ नज़ारा गांव का। इस तरीके से आप नज़ारा देख सकते हैं। तो थोड़ा इधर दिखाइएगा सरसों की तरफ। देखिए, ये चीज़ हमारे यहाँ आता है, ये है सरसों, इसे सरसों कहते हैं। आप देखेंगे ये मंदिर बड़ा खूबसूरत होता है और बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको दिखेंगे। इधर थोड़ा दिखाइएगा हमारे यहाँ, देखिए ये सब गाँव का नज़ारा है। अगर आप इधर आएँगे तो आपका मूड जो है ना फ्रेश हो जाएगा एकदम। तो नाज़रीन देख रहे होंगे आप लोग, ये सरसों है, इसके फूल कितने खूबसूरत हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला कहता है ना, भैया ये अल्लाह के रब्बी को मातु का ज़िबान, कि अपने रब की नेमत की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। देखो, एक सरसों का दाना डाला गया था इसमें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दाने के अंदर से क्या बेहतरीन बेहतरीन चीज़ निकाल के दिखाया है। और देखिए कितना खूबसूरत सा मंजर दिख रहा है। ये एक डाल देख रहे होंगे आप, ये एक सरसों है, जो सरसों डाला गया था, छींटा गया था, उसमें से एक पेड़ निकला है और इसके अंदर बहुत सारे फल होते हैं। देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये सब छोटे छोटे फल हैं, देख पा रहे होंगे। तो इसमें से अब कई फल निकलते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इसमें फूल निकलता है, उसके बाद फल निकलते हैं। तो ये सब गांव का नज़ारा है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा था। तो मैंने सोचा कि आज नाज़रीन को दिखा दिया जाए, कि जब हम घूमने के लिए निकले हुए हैं तो हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने सब्सक्राइबर को क्यों महरूम रखें। हम भी थोड़ा दिखा देते हैं कि भाई साहब देख लीजिए, आप लोग भी थोड़ा मूड को फ्रेश कर लीजिए और देखिए कि किस तरीके से होता है। तो ये फूल जो है इब्तिदा में है, तो ये इब्तिदा में इस तरीके का फूल होता है, और फिर जब इसमें फल आ जाता है तो किस तरीके का होता है और उसमें फल किस तरह होता है, सरसों कैसा होता है, किसके अंदर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा उस साइड में देखिए होया हुआ है, यानी फूल के पास फल आ चुका है उसमें। तो आप देखिए इसमें किस तरीके का होता है, जब वो सरसों हो जाता है तो फल आ जाता है, तो किस तरीके के हो जाते हैं। तो देखिए ये है वो सरसों, तो देखिए इसके अंदर पहले फूल आया था, फिर फल आ गया है। तो इसके अंदर से एक एक सरसों के अंदर से कई कई दाने निकलते हैं, और इस एक पेड़ को देख रहे हैं, इसके अंदर से एक दाना डाला जाता है, इसमें एक दाना होता है, इसमें से एक पेड़ निकलता है, और इस पेड़ के अंदर देखिए कितने सारे फल हैं। गिनती करूँ तो शायद 50-60 हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं जो गांव में हुआ करते हैं। आज हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि हमें क्या करना है इससे। हालांकि हम सब दुनिया में जो भी इंसान बसता है, हर कोई ये सब चीज़ें जो गाँव में होती हैं, जो किसान उगाता है, उसे लोग खाते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम किसानों भाई, किसान भाइयों का साथ दें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनको हम और आप खाते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे तो समझेंगे, पता नहीं क्या चीज़ है, हम लोग ये सब खाने की क्या ज़रूरत है, हम लोग कहाँ खाते होंगे ये सब। नहीं मेरे भाई, ये सब यही वो चीज़ है जो सरसों वगैरह के तेल आप खाते हैं, इसी से बनते हैं, और इसमें दाना होता है छोटा छोटा, जब ये निकलता है वो जाता है मशीन में, उसके बाद पेड़ा जाता है उसको, उसके बाद वो तेल निकलता है तो जाकर शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस तरीके से हम तक पहुँचता है। तो कितने संघर्ष करते हैं किसान, उसके बाद जाकर आप तक तेल पहुंचता है, उसके बाद जाकर आपका गेहूं पहुंचता है, चावल पहुंचता है। मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में कि धान का मिसाल दिया था, पुराने करीम आया है, तो उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि पुराने करीम में जो बताया था, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें, और बताया था कि उसमें धान के अंदर से चावल निकलता है। शायद धान को हम लोग नहीं जानते हों, लेकिन चावल जो खाते हैं हमारा, तो उसी के अंदर से निकलता है। ऐसे ही इसके अंदर से दाना निकलता है सरसों का, और सरसों के दाने से फिर उसको पेड़ा जाता है, पेड़ कर उसके अंदर से फिर तेल निकाला जाता है। तो इस तरीके से फिर सब चीज़ काम चलता है, आगे तक पहुंचता है, तो फिर हम अपने अंदर पेट में खाने बनाकर इन सब चीज़ों से डालते हैं। लेकिन हम घर में बैठे क्या समझ रहे होते हैं कि किसान क्या करते होंगे। हालाँकि इसमें बहुत मेहनत है अगर आप देखना चाहें तो। तो आज दिल्ली में किसान भाइयों के साथ जो हो रहा है, उनके समर्थन दीजिए, क्योंकि हम और आप सब यही सब चीज़ें खाते हैं जो
जो हमारे किसान भाई बोते हैं तब जाकर कहीं हम लोग जिंदा रह पाते हैं। अगर ये सब चीज़ें बोना बंद कर दे तो शायद हम लोग जी पाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं कहूँगा कि थोड़ा दिखा दीजिए कि नज़ारा क्या है। ये तो गांव का नज़ारा है, थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों तक गांव का नज़ारा दिखा दिया जाए कि भाई हम लोग किस तरीके से गांव में जीते हैं और इस तरीके से मंजर बहुत पुरकशिश होता है। तो देख कर ही सब देखो घूमने आता है तो दिल खुश हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जिंदगी है तो फिर मेरे अगले वीडियो को लेकर तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।